ये जो कैंडल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये है जंग कैंडल। जी हाँ, ये मैंने खुद बनाई है और कैसे बनाई है ये आप लोगों को फुल वीडियो वॉच करनी होगी। तो टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पैशन ऑफ आर्ट। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपने फुल वॉच करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने प्लेट या डिश ले लेनी है इस तरह से, जो जिसका पेंदा नीचे हो, क्योंकि हमने बनाने हैं जंक्स। तो जंक्स लेट्स स्टार्ट कैसे बनाते हैं, आप लोग प्योर पैराफिन वैक्स की भी बना सकते हैं और पैराफिन वैक्स और सोया वैक्स को ब्लेंड करके भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं पैराफिन वैक्स और सोया वैक्स को ब्लेंड करके बनाऊंगी, आपने इस प्लेट में डाल देना है और थोड़ा थिक डालना है, ज्यादा डालना है, क्योंकि हमें जंक्स जो है ना थोड़े थिक चाहिए। अब ये 6 से 7 मिनट बाद इसकी जैसे ये थोड़ा सा जमना स्टार्ट हो जाएगा, आप थोड़ा सा लाइन लगाकर चेक कर लीजिएगा कटर से, थोड़ा सा आप कट लगाकर देख लोगे तो आपको इसका मतलब कूलिंग टाइम का पता चल जाएगा। तो मैंने कट लगाया, अभी सही से कूल नहीं हुआ था जितना मुझे चाहिए था। अब ये कूल हो गया था तो मैंने इसको कट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे इसके छोटे छोटे मतलब चंक्स चाहिए थे, तो आप लोगों को जिस हिसाब से चाहिए आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब भी वैक्स को प्लेट या डिश में डालो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले किसी भी ऑयल से आप उसको ग्रीस कर लो, ठीक है। ग्रीस करने से जब आपके जंक्स थोड़े से जमते हैं मतलब कूल होती है वैक्स, तो वो निकलने में आसानी हो जाती है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है ना जंक्स बनाए थे, मतलब ये पर्पल कलर के था और इसको मैंने दो वैक्स को ब्लेंड करके बनाया है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ पैराफिन वैक्स से भी इंशाल्लाह डिजाइनर कैंडल्स बनाना दिखाऊंगी। ये प्रोसेस आप लोगों ने तब करना है जब आप लोगों की वैक्स थोड़ी नरम हो, ठीक है। जब हार्ड हो जाए तब आप नहीं कर सकते, जंक्स नहीं बना सकते, इसको कट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के मैंने यहाँ पे जंक्स बनाए थे, वो भी आपको आने वाली वीडियो में ये जंक्स दिखाई देंगे। मैं मिनी बबल कैंडल्स भी रेम्बो कलर्स में बनाऊंगी और बिग बबल भी। तो 15 मिनट आप लोगों ने फ्रीजर में रख लेना है जब आपके ये मतलब वैक्स कूल हो जाए। यहाँ पे दूसरी टिप्स आप लोगों को देती जाऊं, आप लोग एक ही दफा जंक्स बना लिया करो और उसको जो है ना डिस्पोजिबल डब्बे में जो होता है ना उधर आप स्टोर कर सकते हैं। एक ही दफा आपकी जब बनी पड़ी होगी तब आप लोगों को ईजी होगी कि आपने अगर जंक्स कैंडल्स बनानी है तो आपके लिए इजी रहेगा। जब आपके मतलब ये जंक्स थोड़े से मतलब कूल हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं, तब आप इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लेते हैं। ये टिप्स आप लोग ज़रूर अप्लाई करना, तब इजी हो जाता है मतलब ये आपकी प्लेट या डिश या मतलब किसी चीज़ से भी निकलने के लिए ये मतलब जल्दी से आ जाते हैं बाहर। इस तरह से भी आप लोग कटर से कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा। तो खैर, मैंने इसको बहुत जल्दी ही निकाल लिए थे और जल्दी से ये जंक्स मेरे बन गए थे। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। जंक्स हमारे रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे, मैं आपको सारे दिखा रही हूँ, बल्कि जैसे मैंने कट किए थे वैसे के वैसे ये कट होकर आए हैं। ये पर्पल शेड में है और पिंक में भी है, रेड में भी है मैंने, और ग्रीन कलर में भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही बनाए हैं, तो आप लोग ये देख लें। और आज मैं आप लोगों को जो है ना ये वाली जंक्स वाली जो कैंडल है वो बनाना सिखाऊंगी मिल्क पैक वाले डब्बे में। आप लोगों ने मिल्क पैक का डब्बा ले लेना है, ठीक है। उसको इस तरह से काट लेना है, आप लोग कटर से काट लें या जिससे भी काटें। इसके बाद आप लोगों ने जंक्स डाल देने हैं। मैं फिलहाल पर्पल यूज करूंगी फिलहाल के लिए, तो पर्पल आप लोगों ने ये जो भी डालें आपकी अपनी मर्जी है। आप लोग मल्टी कलर की बना रहे हैं तो फर्स्ट लेयर आप मतलब ग्रीन की दें, फिर उसके बाद रेड की दें, जो भी आप मतलब प्रॉपर बनाए आप बना सकती हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जंक्स डालने हैं। डालने के बाद आपने इसके अंदर जो है ना विक डाल लेनी है। विक आपकी होल्ड हो जाएगी, मतलब विक जो आप लोग जार के लिए यूज करते हैं आप लोग वो विक यूज कीजिए। आप लोगों ने अच्छे से जो है ना जंक्स को एडजस्ट करना। यहाँ पे सिर्फ मैं पैराफिन वैक्स यूज करूंगी और पैराफिन वैक्स जो है मैं वाइट यूज करूंगी। जस्ट इसमें फ्रेग्रेंस ऑयल मैंने मतलब डाला है और कलर नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं क्योंकि जंक्स को मैं प्रोमिनेंट करना चाह रही थी। एक और बात आप
आप लोगों से यहाँ पे करती चाहूँ कि आप लोगों ने थोड़ी सी डाउन करके जो है ना नीचे करके जो ऊपर वाले जंक्स हैं उसको आपने मतलब फुलफिल नहीं करना। हमने इसको ऐसे मतलब शक्ल देनी है कि ऐसे लगे कि इसमें हमने थोड़े थोड़े से स्टोन डाले हुए हैं। जैसे आप लोग ये सोया वैक्स की भी बना सकते हो, इंशाल्लाह मैं सोया वैक्स से भी बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पर फुल ये जो है ना मतलब कूल हो गई है और ये तैयार हो गई है। तो अब इसको मैं डीमोल्ड करूंगी, कटर की मदद से मैं इसको काट लूंगी। कटर से मैंने काट लिया है, ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है और रियली बहुत प्यारी लग रही थी, तो इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। ऊपर से आप लोगों ने इसकी जो है ना विक काट लेनी है और आप लोग यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे ये स्टोन हो, इसके अंदर स्टोन डले हुए हों, तो बहुत प्यारी लग रही थी। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। और दूसरी बात यह है कि आप इसको जला भी सकते हैं। तो मेरा ये ऑर्डर था, मुझे ये जंक कैंडल्स किसी को मतलब 3 से 4 जंक कैंडल मुझे ऑर्डर मतलब अपना पूरा करना था और कस्टमर को शेप भी यही चाहिए थी। तो मैं बेसिकली जो है ना मैं जैसे वाटर बोतल होती हैं वो भी मैं डिस्पोजिबल रखती रहती हूँ और जैसे ये डब्बे वगैरह यूज़ होते हैं, जूस के डब्बे होते हैं, वो भी मैं रख लेती हूँ। समटाइम्स वो भी कैंडल्स में यूज़ हो जाते हैं। आप लोग भी इस तरह की चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज की कैंडल कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।